हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, बहुत सारे हमारे मिर्चे झड़ गए और रेड हो गए हैं सारे, तो हमने सोचा कि हार्वेस्ट कर लें और कुछ पड़ोसियों के अगल बगल घरों में भेज देंगे। जो भी चीज़ें एक्सेस हो जाया करें, आप लोग भी दे दिया करिए। देखिए, इससे बहुत खुशी और मोहब्बत भी बढ़ती है, लोग एक्साइट भी होते हैं। और ये मेरा बेटा कट कर रहा है कैरी में जाकर। हाँ, देखिए कितना अच्छा है, हेल्थी प्लांट, कितनी फ्लावर आए हुए हैं। अब ये है कि इसको जो है पूरी फुल सनलाइट चाहिए होती है, तो उस साइड भी है, देखो बेटा उधर भी है। इस तरह से जो है आप लोग भी घर में अच्छे से कर सकते हैं, कंटेनर में भी, ज़रूरी नहीं क्यारी में करें। देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी जो है इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि जो है बारिश ना शुरू हो जाए और बादल एकदम लगे हुए हैं। और अभी तो ये फ़िलहाल कुछ इसके फ्लावर झड़ जाएंगे और पूरी फुल सनलाइट इसको चाहिए, तो इस तरह से ये होगा। बहुत सारे ग्रीन है, उनको अभी हम छोड़े हुए हैं, अभी नहीं करना है। जो रेडिश हो गए हैं उनको ही यूज़ करेंगे। बहुत तेज़ मिर्चा है, वैसे भी बारिश में बहुत तेज़ होता है। टाट देखिए, इस तरह से बहुत सारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा टाट। ये देखिए, ये पुराने हो गए हैं, इधर बहुत ज़्यादा है। और जो है इधर ग्रीन तो हम छोड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, कि जो है इसको तैयार होने दें और पहले हम रेड वाले कर लेते हैं। साथ साथ देखिए, जल्दी में जो है लीव्स भी कट हो गई है। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा और घना प्लांट है, दो तीन प्लांट यहाँ पर हैं और काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। काफ़ी मैं ब्रांच काटती भी रहती हूँ इसको, इसलिए कि इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। थोड़ा सा देखिए अभी हो भी रहा है, इसलिए हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, तो ज़्यादा हमने केयर नहीं किया। और तब भी इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है। अभी बारिश में इतना जो है फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग तो इतनी नहीं होगी सक्सेस। जब पूरी फुल सनलाइट निकलेगी तभी होगी। आप इसमें नीम ऑयल में आपको स्प्रे करना चाहिए, एक चम्मच स्प्रे ले लीजिए आप। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या चीज़ दे सकते हैं फंगस के लिए। तो थोड़ा सा प्लांट भी ऊपर से कट कर दीजिए, जैसे मैंने अभी किया हुआ है 3-4 दिन पहले, और जो है अभी भी थोड़ा थोड़ा फंगस है। तो 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल ज़रूर डालें, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है डाल दीजिएगा बेकिंग सोडा, जो घर में यूज़ करते हैं। और देखिए अभी भी नज़र आ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं, तो उसका स्प्रे कर देंगे, तो आपकी मिर्ची की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। फुल सनलाइट इसको चाहिए और वो भी अच्छी रहेगी, प्लांट अच्छा रहेगा और फंगस का भी अटैक इतना नहीं होगा। जो भी आपको लगे कि मुड़ रहा है, हेल्दी प्लांट है, तो आप कटिंग थोड़ा थोड़ा इस तरह से मुड़े मुड़े से होने लगेंगे, तो आप कट कर दीजिएगा, वो साफ़ हो जाएंगे और अलग फेंक दीजिएगा इसको। स्टार्ट देखिए, इस तरह से जो है हमने बहुत सारे मिर्चे हो गए, मेरे दोनों हाथ भर गए हैं। अभी मेरे पास ग्रीन भी बहुत सारे रखे हुए हैं, और इसको हम अपने पड़ोसियों को दे देंगे। देखिए कितने सारे आ गए हैं, ये देखिए बहुत सारे हो गए हार्वेस्ट, और ग्रीन अभी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर में भी हमने नहीं लगाया, क्यारी में भी है और स्मॉल टब में भी है, 7-8 इंच के और पॉट में भी हो। मिर्चा बहुत इजी वे में हो जाता है, थोड़ी सी देखभाल केयर की ज़रूरत रहती है, पूरी फुल सनलाइट चाहिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसी तरह गार्डनिंग बने रहिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।